सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज थोड़ा सा लेट हो गए कल रात को पार्टी करते करते कैसीनो में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कल टोटल लॉस $600, जो जीते थे वो भी हार गए और जेब से भी हार गए। और अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, अभी बज रहे हैं यहाँ के 2, तो करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, कुछ कहीं घूम के आते हैं। अभी होटल के बाहर ही हूँ, देखो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, मिलते हैं अभी आपको, ठीक है, चलो बाय। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपका अपना आशीष इस साइड है, और अभी सिडनी से हम चेकआउट करने वाले हैं। होटल में भी ब्रेकफास्ट किया है, और कल फिर पूरे दिन अपना कसिनो में थे। टोटल लॉस हो गया है मेरा $600, ऑस्ट्रेलिया के $600। और कल सिटी टूर वगैरह किया हमने, और लोकल ऑस्ट्रेलिया लोकल सिडनी हम घूमे, वो भी हमने ट्रैवल किया, बहुत अच्छा है। लुक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब घूमने के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव है थोड़ा बट अच्छा है। और अभी हम गोल्ड कोस्ट जा रहे हैं ब्रिस्बेन, और फ्लाइट आई थिंक 11 बजे की, तो निकलते हैं होटल से, चेकआउट करते हैं। बैग पैक है, देख लीजिए, पैक है बैग, और मिलते हैं फिर ब्रिस्बेन पहुंच के, बात करते हैं। हे गाइस, आपका इशी बॉय आशीष, और मेरे साथ हैं विक्रम। विक्रम बताएं कुछ अपने बारे में, आप क्या करते हैं? हाय गाइस, आई एम विक्रम, एंड राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू गोल्ड कोस्ट फ्रॉम सिडनी, एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर। अभी हम एयरपोर्ट पे हैं और गोल्ड कोस्ट जा रहे हैं, और गोल्ड कोस्ट पहुँच के आपको बताते हैं कैसा मौसम है वहाँ का और कैसी सिटी है। तो टिल देन और आज हम आए हैं सी वर्ल्ड में, आपको दिखाता हूँ जस्सी मेरे पीछे है सी वर्ल्ड। और कल का पूरे दिन का मतलब होटल में ही स्टे था, बाकी हम लोग बीच पे घूमे। सफर पैराडाइज। और आज आए हम सी वर्ल्ड, इसको एक्सप्लोर करते हैं। और टेम्परेचर बड़ा मस्त है यहाँ का, एज कम्पेयर टू सिडनी से अच्छा टेम्परेचर है। In night we went in cocktail night club and shooters, cocktail, Havana, shooters, तीन night club में हमने विजिट किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी अभी सी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, इसका रिव्यू मैं आपको शाम को बता रहा हूँ। चलो बाय। या सो फर्स्ट हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट मोनो रेल सिस्टम, तो मोनो रेल आने वाली है, उस पर ट्रैवल करेंगे और एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, बने रहिए आप। या तो मोनो रेल स्टार्ट हो चुकी है, देखें आप मेरे साथ हैं हैरी बाबा, जो आप मूवीज में देखा हुआ आपने, इनको तीन मूवीज करी है इन्होंने, जगबू सिंह जियो, चक दे फट्टे, और मेरी लेके मानो, तीन मूवीज में साइड रोल किया इन्होंने, सपोर्टिंग रोल में रहे हैं। और एक्सपीरियंस देखिए आप, ये मैं दिखाता हूँ आपको, सामने का पीछे का व्यू, बहुत स्लो चल रही है, मुझे तो कोई मज़ेदार मोनो रेल का, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस कोई मज़ेदार नहीं लग रहा, बाकी आप लोग बताएं।
की आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो कोई मजा नहीं, आप बताएं बंसल साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो कोई मजा नहीं, मोनोरेल का एक्सपीरियंस बताएं आपको कैसा लग रहा है? ये चुती आप कर रहे हैं कि वाकई आपको घुमा रहे हैं? रिक्शा की कॉपी बनाई गई है हमारी, रिक्शा राइड लग रही है, बिल्कुल सही बात, रिक्शा की कॉपी बनाई गई है इन्होंने, ये जो हमारे दिल्ली में जो रिक्शा होते हैं बैटरी रिक्शा नहीं, जो दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल रिक्शा, सो बड़ी स्लो चल रही है, ये क्या भाई? और आप देखते रहिए, मेरी पीछे भी शार्क शो अभी देखेंगे हम मूवी, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपको मेरी वीडियोस के थ्रू, तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरे साथ एक पर्सन और है, अपना एक आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दें आप। प्रकाश कुमार, प्रकाश कुमार हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली ना, हाँ चाणक्यपुरी से हैं, और कभी भी आप चाणक्यपुरी जाएं तो भाई से मिलना ना भूलें, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा सारे रेस्टोरेंट पे चाणक्यपुरी के। भाई का बड़ा नाम है चाणक्यपुरी में, तो बिल्कुल आप इनसे मिलें, और इनका नाम लोगे तो 20% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब यहीं पर जाते हैं, ये दो तीन आगे बैठे हैं, इनसे चढ़ेंगे, इनसे तो बिल्कुल आप ना मिलें। इट्स टाइम टू हेलीकॉप्टर राइड राइट नाउ, और जैसा भी अभी तक मैं यहाँ पे घूमा हूँ, तो मुझे तो चाइल्ड के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से ही बेटर लग रहा है, अडल्ट्स के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ हेलीकॉप्टर राइड है, जेट स्की है, और एक दो रोलर कोस्टर है बस। तो मैं तो यही रिव्यू करूँगा कि बच्चों के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह है, बच्चों के साथ आप आएँ, फैमिली के साथ आएँ, उनके लिए बढ़िया, अगर आप सिर्फ अडल्ट्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से तो बढ़िया नहीं है। हेलीकॉप्टर राइड के लिए अगर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी अभी हेलीकॉप्टर राइड पे हम लोग जाने वाले हैं, उसका रिव्यू भी मैं आपको एक बार वापस आने के बाद करता हूँ कि कैसा है, तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल जो भी हमारे चैनल पे नए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर।
सो गाइस पूरा हमने विजिट कर लिया है सी वर्ल्ड, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है मतलब मुझे तो नहीं जमा, बाकी विक्रम आप क्या बोलेंगे? इट्स ओके विक्रम fine. का मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है आज ये हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो एडल्ट्स के लिए कुछ रोलर कोस्टर और स्काई फ्लायर और इस तरीके से कुछ राइड थी, इन्होंने एक भी राइड नहीं की है, और इनके चक्कर में मैं भी नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कंपनी चाहिए थी, मैं इन्हीं के साथ घूम रहा हूँ 3 दिन से तो ये चाह रहे कि पब्लिक को ना बताया जाए कि ये फट्टू हैं, बट ये बहुत बड़े फट्टू हैं, आप देख लीजिए शरीर गब्बर जैसा है बट दिल बिल्कुल फट्टू जैसा, बच्चों जैसा है। तो ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, और सिर्फ बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विज़िट कर रहे हैं या गोल्ड कोस्ट विज़िट कर रहे हैं तो सी वर्ल्ड ज़रूर घूमेगा, बट अगर एडल्ट्स अगर हैं तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हेलीकॉप्टर राइड को छोड़कर यहाँ कुछ उन्हें बढ़िया मिलेगा। तो यही मेरा रिव्यू है सी वर्ल्ड को लेकर, बाकी होटल पहुँच के फिर मैं अगर और कुछ एक्टिविटी अगर करता हूँ तो आपको और बताता हूँ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कल का शेड्यूल सी वर्ल्ड का ये रहा कि सी वर्ल्ड से आने के बाद होटल आए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, सिर्फ डिनर किया और आफ्टर डिनर ही सो गया था। सुबह होटल चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट किया, और अभी जस्ट एयरपोर्ट पहुँचे हैं, और एयरपोर्ट बहुत ही शानदार है। लॉन्च में मैं बैठा हूँ, देखिए ये लॉन्च है मेरे पीछे, और सी वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया था, शेयर कर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा है, सिडनी से बेटर गोल्ड कोस्ट है एज़ कम्पेयर सिडनी। बाकी अगर मैं और किसी कंट्री में अगर या और किसी कंट्री और किसी सिटी में विज़िट करता हूँ तो ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि व्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे बनाना चाहिए आगे कंटिन्यू करूं कि ना करूं, वो आप सब मुझे गाइड करें। और इसके अलावा क्या कमियां रही हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ क्या सुधार मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बनाया है। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अभी ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर हैं और दिल्ली पहुँचने में 12-13 घंटे लगेंगे, तो ख़त्म करते हैं फिर। बाकी और भी कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जाने से प्लीज़ पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।